मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के मधुबन प्रताप गांव के 3000 लोगों के लिए चचरी पुल खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आया है। अब 8 पंचायत के लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाने में 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। खुशी इस बात की भी है कि अब बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी, बेटियों का ब्याह अच्छे से हो पाएगा और दूल्हे को अपनी बारात दुल्हन के दरवाजे तक ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। खुशी इसलिए भी है क्योंकि बागमती नदी पर चचरी पुल का रास्ता ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर बनाया और खुद ही लोगों ने इसका उद्घाटन भी किया। ना नेता, ना अधिकारी और ना ही कोई नामचिन नाम। आखिर बड़े नामों को गाँव के लोग बुलाते भी क्यों? वर्षों या यूं कहें कि आजादी के बाद से अब तक यहां आने जाने का रास्ता नहीं बन पाया है। अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी नजरअंदाज किया इसको, लेकिन उसके बाद लोगों ने अपना श्रमदान किया और ये रास्ता बना दिया। बांध, दोनों बांध के बीच में जो लोग हैं उनके आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जब जल स्तर बागमती में बढ़ता है तो इन लोगों का रहना दुभर हो जाता है। नाव के सहारे लोग अस्पताल जाते हैं, या एक साग सब्जी भी खरीदना हो तो लोग नाव के सहारे पेठिया में जाके साग सब्जी खरीदते हैं। सब समाज मिल के भीख मांग के अपना चचरी पुल बना के उद्घाटन करते हैं। क्या फायदा होता है इससे? क्या फायदा होता है? वही पार के आदमी आता है, घास भूसा लेके जाता है, आता है, दिक्कत नहीं होता है। नाव से चलना होता है, कभी नावें पटक देता है, बच्चे लोग है, वही लेके दिक्कत होता है।